अभी यूएसए में लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग वर्जीनिया जाएंगे। उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी एक नवोदयन सिस्टर वहां रहती है, जिससे मैं मिलने जा रही हूँ। ये गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अनामिका सानवी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा बीते। अभी हम लोग आ गए हैं नॉर्थ कैरोलिना के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल में, तो चलिए मैं आपको भी ले चलती हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं क्रैबट्री वैली मॉल। ये इसका बैक डोर है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को पास में पार्किंग मिला, तो ये हमारे लिए इजी था इस डोर से आना। वैसे मेन एंट्रेंस अदर साइड पे है, और जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ, ये जो मॉल है वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है इन राले नॉर्थ कैरोलिना। और यही नहीं, ये जो मॉल है वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है इन द साउथ ईस्टर्न यूएसए, हैविंग अ लार्ज फूड कोर्ट। तो फिर चलिए आपको भी दिखाती हूँ। और एक बात की ये जो प्लेस है, यहाँ पर टोटल 220 स्टोर्स हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग इन राले नॉर्थ कैरोलिना टू। और तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलती हूँ मॉल के अंदर और दिखाती हूँ पूरा मॉल। और इस मॉल की एक और खास बात है कि इस मॉल के आसपास टोटल 57 रेस्टोरेंट है, तो चलिए फिर देखते हैं पूरा मॉल। सानवी को भी आज शॉपिंग करने में इतना अच्छा लग रहा है H&M में कि लाला के ड्रेस दे रही है, बहुत प्यार से। मेरी सानवी आज बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। मेरे पास एक गुड़िया है। मेजर करके देख रही है, अपना लेग्स मेजर करके देख रही है कि वो उसको फिट आएगा कि नहीं। आज मेरी सानवी पूरा हेल्प कर रही है मेरे शॉपिंग में, मेरी गुड़िया से। और मैं बेटा ड्रेस सेलेक्ट करके ला रही है और हम लोग को बता रही है ये अच्छा। ये वाला ट्राई करो। Just one more time, so
देखो इस चेयर के इसमें चढ़ने में बहुत मजे आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया है और मॉल का काफ़ी हिस्सा भी एक्सप्लोर कर लिया है। सो अब हम लोगों की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है और अब हमें चाहिए कि हम एक जगह कहीं बैठे, कुछ खाए पिए। तो हम लोग मॉल का जो फूड कोर्ट एरिया है उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर ही है, ताकि थोड़ी बहुत एनर्जी लेने के बाद फिर से हम लोग जो बाकी एरिया है मॉल का वो भी देख लेंगे और थोड़ी बहुत फिर से शॉपिंग भी कर लेंगे। शॉपिंग करना किसको अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मॉल्स में इतने सारे शॉप होते हैं कि आप जिस स्टोर में भी चले जाओ कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाते हैं। फिर चलिए हम लोग फूड कोर्ट एरिया की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग फूड कोर्ट में बैठे हैं स्नैक्स के लिए। माय मॉम जस्ट गो बाय माय। ये जो मॉल हम लोग आए हैं ये नॉर्थ कैरोलिना का बिगेस्ट मॉल है और आप देख सकते हैं आपको मैंने पूरा मॉल अभी दिखाया और दिखाऊंगी कि कितना अच्छा है। और यहाँ पर बहुत भीड़ है बट बहुत कम लोग मास्क लगाए हुए हैं। आपको दिखाती हूँ मैं। अभी मैकडी में लाइन में लगी हूँ कुछ ऑर्डर करने के लिए और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है।
अब हम लोग सानवी को लेकर प्ले एरिया में आ गए हैं, जो कि सानवी का फेवरेट एरिया है। मुझे लगता है सारे बच्चों का ही फेवरेट एरिया होता है ये। वैसे भी सानवी काफ़ी देर से कह रही थी, बट हम लोगों को थोड़ी शॉपिंग करनी थी और लकीली यहाँ पे चेंजिंग मशीन भी है। सो हमने बहुत सारे क्वार्टर्स कलेक्ट कर लिए ताकि सानवी अच्छे से खेल ले। मैं लास्ट वीडियो में आपको ट्रायंगल मॉल लेकर गई थी, जहाँ बच्चों के खेलने का कुछ भी नहीं था, सारा एरिया क्लोज था, तो सानवी बहुत बोर हो गई थी। तो यहाँ पे अच्छा है कि है बहुत सारा एरिया और बच्चे आराम से खेल सकते हैं, तो इसलिए मैंने सानवी को थोड़ा खिला भी दिया है फूड कोर्ट में, ताकि आराम से खेल लेगी और फिर मैं थोड़ा शॉपिंग कर लूँगी। सानवी, ये आर यू एंजॉयिंग? इसके बाद मैं अपनी शॉपिंग करने आ गई। नॉर्थ कैरोलिना में मैंने अभी तक जितने भी मॉल देखे हैं या फिर गई हूँ, ये पहला ऐसा मॉल है जहाँ मैंने फूड कोर्ट में इंडियन फूड का काउंटर देखा। सो ये हम लोगों के लिए अच्छा था। एक तो जहाँ भी मुझे ज्वेलरी दिखते हैं ना, मैं वहाँ जरूर रुकती हूँ और जाती हूँ, देखती हूँ और अपने लिए शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। सानवी को ट्रांसपेरेंट एलिवेटर में बहुत अच्छा लगता है। सी, सी इज एंजॉयिंग। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए, क्योंकि ये जो क्रैब ट्री है ये मॉल का नाम है और ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है, लेट लव ग्रो। और सानवी बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही थी, तो मैं उसे रेडी कर रही थी कि प्लीज़ एक फ़ोटो तो लेने दीजिए डैड को। यहाँ का मॉल 6 बजे बंद हो जाता है संडे को स्पेशली, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस रहता है। तो यहाँ पे सारे मॉल 6 o'clock और 7 o'clock लेटेस्ट बंद हो जाते हैं। तो अभी बाहर जा रहे हैं मॉल से, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी क्लोज भी हो गया। चलिए सानो, ले गो। Where are we? ये पार्किंग एरिया अंधेरे में है, सुसान भी टुडे स्काई इज वेरी क्लियर। सी यू नो, जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक्चुअली जब सानवी 1 ईयर ओल्ड थी, तो हम लोग यहाँ नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना से आए थे सुजीत के कुछ ऑफिस वर्क से। तो फिर जब मैं अचानक से ये देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा। उस समय मैं सानवी को गोदी में लेके आई थी खाने के लिए, और अभी तो सिचुएशन ही अलग है। अभी डाइनिंग बंद किया हुआ है अंदर की तरफ, तो यही इधर के टेबल पे बैठ के मैं खाई थी जहाँ सानवी खड़ी है।
आज की इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी नेक्स्ट वीकेंड हम लोगों का जो प्लान है वो वर्जीनिया स्टेट जाने का है, जो कि डीसी वॉशिंगटन के पास है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी एक नवोदयन सिस्टर वहाँ रहती है, जिससे मैं मिलने जा रही हूँ, ये, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, 4th of July इंडिपेंडेंस डे है USA में, तो फिर हम लोगों का लॉन्ग वीकेंड है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि वहाँ जाते हैं। और बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे, बट फाइनली भी लॉन्ग वीकेंड आया है और हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं मिलने के लिए। और आपको भी जरूर मिलवाऊंगी मैं अपनी नवोदयन सिस्टर से। और आपको पता है लास्ट टाइम मैं उसे देखी थी 2002 में, तो 2002 के बाद अभी 2021 आ गए, आफ्टर 19 ईयर्स। तो मैं उसे मिलने जा रही हूँ वर्जीनिया स्टेट में, जो कि डीसी वॉशिंगटन के पास है, और बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरी सानवी है, क्योंकि उसकी भी एक डॉटर है, तो जो कि सानवी की अच्छी फ्रेंड है, तो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं मिलने के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत सारा फन होने वाला है, तो आप जरूर देखें। और अभी मुझे बहुत सारा पैकिंग करना है, बात ही कुछ अलग होती है, बचपन की वो यादें, तो हम लोग बहुत सारे बातें करने वाले हैं। जो भी फन होगा वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और आप नेक्स्ट ब्लॉग मिस ना करें, जरूर देखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। और कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और अपनी एक नवोदयन सिस्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।